परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत ही कम शब्द पड़ जाएंगे यदि धर्मेश जी की इस कर्तव्य कल्पना की के बारे में सोचना शुरू करें या लिखना शुरू करें या बोलना शुरू करें। परंतु सबसे पहले बार जब मैं धर्मेश जी से मिला था और उनको देखा था तो बता दूं, रात्रि में 11 बजे के आसपास हमारा मिलना हुआ था और मैंने उनको देख के ही कहा था, हितेश यहाँ पर बैठे हुए, मैंने हितेश जी को कहा, हितेश जी धर्मेश जी यही है क्या, ये वो मेमोरी ग्रुप ये करवा लेंगे पक्का? हितेश जी का कॉन्फिडेंस क्योंकि वो उनसे पहले मिले हुए थे और आज 7 दिन बाद ये डेमो देने, जब बच्चे डेमो दे रहे थे उससे काफी पहले तक मैंने सोचना था मैंने कहा सक्सेसफुल नहीं है, बाद में सब गालियां देने वाले थे, लेकिन जब मैंने खुद ने डेमो देखा तब मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में इस देश में, इस देश के बेटों में इतनी कुवत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों 110 करोड़ इस देश की आबादी हो गई है, शक्ति सामर्थ्य, रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की शक्ति, ये इन सब का संबंध युवा से है और इसीलिए धर्मेश जी ने टारगेट किया युवा को। लेकिन आजादी के 50-60 साल हो गए, इसके बाद में भी ये देश महाशक्ति नहीं कहा था। और आप लोगों से जानना चाहूंगा कि महाशक्ति किसको बोलते हैं, दुनिया में कौन सा देश महाशक्ति कहलाता है, एक स्वर में बोले सब जोर से, भारत, अमेरिका। कहते हैं महाशक्ति, कहते हैं महाशक्ति अमेरिका को आज अखबार सारे। लेकिन आपको बता दूं इस देश की आबादी में 18 से 35 साल तक की युवाओं की परसेंटेज मोर देन 62%, 62% से भी ज्यादा इस देश में युवा है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश में युवा है वो भारत देश है। और जिस अमेरिका को महाशक्ति बोला जाता है उसमें 57% आबादी 45 साल से ऊपर के लोगों की है। कैसे महाशक्ति अमेरिका? महाशक्ति अमेरिका इसलिए क्योंकि 2 लाख डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया के काम कर रहे हैं वहां पर। एक दिन की अगर हड़ताल करते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी 5 साल पीछे चली जाएगी। हमारे देश के युवा को अमेरिका में जाके क्योंकि 1,88,000 डॉलर पर मंथ मिल रही है ना सैलरी, इसलिए वहां जाके काम करना है। धर्मेश जी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वो आपको केवल यहाँ पर मेमोरी इंप्रूवमेंट, केवल ब्रेन पावर इंप्रूवमेंट नहीं सिखा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कैसे एक भारतीय युवा बनना है। हमको 1,88,000 डॉलर नहीं चाहिए, हम 5,000 रुपए सैलरी में काम चला लेंगे, लेकिन जिएंगे, मरेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे तो इसी देश में, इसी देश के लिए कुछ करेंगे। और अंत में केवल एक बात बोलना चाहूंगा, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सीमस्य प्रविशन्ति मुखेरः। सोए हुए शेर के मुंह में वो सोचे कि अभी आएगा हिरण और वो बस मैं उसको मुंह खोल के रखता हूँ खा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 36 साल की अपनी छोटी सी जीवन के अंदर कहा था, There is nothing impossible in this world because the word impossible itself says that I am possible. Jai Bharat.